अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आयशा जहाज़ेब हाज़िर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। नफ्सियाती मसाइल का शिकार हम सब होते हैं, वजूहात जाहिर है बहुत मुतनव्वे, लेकिन आज जिस मैड हाउस में हम मौजूद हैं वहाँ जो नफ्सियाती आवारिज़ हैं वो बड़े ही दिलचस्प। देखते हैं क्या हो रहा है। साड़ी खैर, नीला ग्रीम रसी MBBS कर गया। बकवास बंद, नहीं तो चपेट मार के तेरी औसान खता कर देंगे मैं। बदतमीज, एक डॉक्टर के नाल बदतमीजी कर रही हूं। डॉक्टर लगदा अकबर बादशाह ना भी रहा थोड़ी देर। बकवास बंद, बोलो तो ऐसा तेरे टांके टूट रहे। पता भी है मैं तकलीफ के अमल से गुजर रहा हूँ। बगैर सर्जरी दे इस कौम नो एक नश्तर दी जरूरत है। जिन्नी ये कौम वेली है ना ना कि बिस्तर दी भी जरूरत है। बकवास बंद। 40 साल से कोशिश कर रहा हूँ निश्तर चुपोने की, मगर कोई वी भी नहीं करता। पता नहीं निश्तर कितने चुपोना है। तकलीक कर दिया एडिया मुझा, वो तेरे अंदर को रिच मरे है। अच्छी तहरीर इंसानी तकलीक से ज्यादा रियाजत मांगती है, आपको क्या पता। डॉक्टर इलाज घट कर रहे हैं, जुगतां बहुतियां कर रहे हैं। बात तो ठीक कर रहे हैं डॉक्टर साहब, इनका क्या मसला है। इन्हें दुआना खा के ना पानी पी लिया, वो भी बाहर आ गए थे, गर्मी सारी दिमाग में चढ़ गई। क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप। तहकीक की मैं इस बंदे दे उते, 40 साल तो ये बंदा कलम इंज कसा रहे है, इहदे मुकद्दर किस गए ने, मगर कोई अच्छी तखलीक नहीं हुई इहदे तो। देखे कैसी बातें कर रहे हैं। मैंने ख्यालात की दलदल में गोते खाए, अपने आप को हर हैसियत से गुजारा, मगर अपने ख्यालात को कलम से प्रो ना सका। ओ की हैसियत दीती, आप ही सिगरेट गर्म करके लाउंदा रहा तू, कैसी हैसियत देती तू अपने आप नू। पागल हो गया, राइटर है तेरी नई कहानी कामयाब हुई, साडा कसूर है। 40 साल की रियासत मेरे गले का फंदा बनती जा रही है और डॉक्टर का हाल देखे। ये फंदा नहीं है, टाई ढीली कर तेनू अकल आवे। खुद आया ये इलाज का तरीका है। डॉक्टर मुर्तजा उधर मर जाया कर, तू वखरी मोटरसाइकिल बनाई है, लगदा अगला टायर लंघ गया, पिछला चिकड़ च जा पिया। ये सारे सासे कमतरी का शिकार ने, इन्हों का इलाज कर करके बाजी में थक गए हैं। इन्हों वास्ते हुण मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बुलाया जिहड़ा हुण इन्हों का इलाज करेगा। वो तो मैनु विच कादली कही ना, मैं तो सही हां। इन आबलों से पांव के घबरा गया था मैं, जी खुश हुआ है राह को पुरखार देख कर। जी मेरे दोस्त, आइए आइए फारिग अजीज साहब, अब कोई परेशान नहीं रहेगा, हर मर्ज की दवा है। ये जो कहते हैं ना कलवंजी हर मर्ज की दवा है, ये सिर्फ कलवंजी की बात नहीं, हर ये आपको कितने अरसे से सेल्फियां बनाने का शौक है मासूमा। बस जी जदों दी अपने हुसन तो आगाह हुई है। ए अपने हुसन तो आप ही आगाह है के कोई और भी आगाह है। लोगों ने तो कह कह के आगाह कीता है। बाजी फिर लोगों दी गल्लां च ना आना, इन्नू भी किसे ने आगाह कीता सी और उहदा पिछां खलोता है जी। ना मिला कर उदास लोगों से, हुसन तेरा बिखर न जाए कहीं। हुसन जब बिखर जाता है तो महज एक चुड़ैल बचती है। लाइए मैं आपकी तस्वीर खींच दूं। मोबाइल वापस कर दूं सर। लीजिए मेरे दोस्त। एदा को मोबाइल खोंदा, इनू लगदा मेरा बच्चा खो के ला गया कोई। गोया हुसन की जान मोबाइल में है और मोबाइल तोते के पास है। ये क्या कह रहे हैं आप। चंगा भला गोल मुंह सी मेरी बेगम दा मैडम जी, इन्हें सेल्फिया इनिया लाइया, इहदा मुंह ही उत्थे फिक्स हो गया। भाई मैं तो तुम्हारी अकल पे हैरान हूँ, सेल्फियों से मुंह ऐसे नहीं होता। जब ये मेरे पास नहीं होता तो मुझे लगता है मैं जंगल में अकेली निहत्थी खड़ी हूँ और दरिंदों ने मुझे घेर लिया है। जिंदगी आमद बराए दरिंदगी, मोहतरमा शुक्र कीजिए आप दरिंदों में गिरी हुई हैं, बंदों में नहीं। डरता हूँ आईने से कि मर्दम गजीदा हूँ। वाह बहुत खूब, अ दो गोलियां खा लवां दर्दम शदीदा हूं। मोहतरम गैब से मजामी के इंतजार में है या वफूरे इल्म चैन नहीं लेने देता। मैं तो खून पिला पिला कर कागजात काले कर दिए, लेकिन मेरे अल्फाज फूल बन कर खिल नहीं सके। काफी गंदा खून है सफ़े काले कर दिए, खुशबू आ नहीं सकती,
कागज के फूलों से मेरे दोस्त। ओ इन्हें कितने तकलीफ कर दिए, ये तो शोरे ना सतनान खांदा, राइटर बेचारे तो खांदा ही कख नहीं, या उन्होंने दो वेले की लभदी या औखे वेले की लभदी बस। सही कह रहे हो, एडा जुस्सा राइटर का होंगे ही नहीं आशा जी, एडे जुस्से वाला बंदा तो तीन एकड़ च आराम नाल सुहागा फेर लेंदा। अरे आपने गालिबन अब्दुल्ला हुसैन को नहीं देखा, आपने गालिबन एम्ब्रोज को नहीं देखा। एम्ब्रोज, ये सी एम्ब्रोज बड़े मारूफ राइटर थे, पोएट थे, बल्कि ये एम्ब्रोज को तो प्रोज पर भी उतना ही मलका था। ये सी एम्ब्रोज कर्टली एम्ब्रोज नहीं थे, ये दूसरे थे। मरे तेरा दिमाग वेस्ट इंडीज से आगे जा ही नहीं सकता। तखलीक सिर्फ जुंझलाहट और बेचैनी का नाम नहीं, ये तो सफाए करतास पे रूह बखेरने का नाम है, जज्बात बखेरने का नाम है, एहसासात बखेरने का नाम है। लाओ ये इन्होंने सफाई गंदे करने ने, कोई खून नाल कर रहे हैं, कोई एहसास नाल कर रहे हैं। ये नहीं, ये तो बड़ा अच्छा शायर है, ये की लिखा इन्हें, हाँ मेरी जिंदगी का हर लम्हा अजाब का गुजरा, जब भी कुट गई भावे एक बार गुजरा। लिखा हुआ ही अपनी तरफ से पढ़े जा रहे हैं। एक जफ़ी पर मौकूफ है घर की रौनक, नोहाए गम ही सही, नगमाए शादी ना सही। ओ सर, एक हंगामे पे मौकूफ है घर की रौनक। जफ़ियां ही तो हंगामा बर्पा करती हैं मेरे दोस्त, चाहे वो ट्रंप किम जॉन को दे या फिर मोदी प्यूटन को। जफ़ी ही जफ़ी है सर तपा। किधर है? टीवी देन लगे ने। अच्छा बस बस कर दो, किसके लिए है ये सब कुछ, किसके लिए है ये? कभी कैटवॉक, कभी मुकाबला हुस्न, हाँ और कभी फोटोशूट, कभी अपने अंदर झांके दिखाए कि इंसान कितना गंदा है। तू कुछ बहुत ही गंदा है। कितना गंदा है इंसान कभी सोचा? मायूसी नहीं करते मेरे दोस्त। कितना बदसूरत, कितना घिनौना है, कितना करीट है। आप इंसान के सफर से क्यों इस कदर मायूस है मेरे दोस्त? नहीं, इंसान के सफर से नहीं, इंसान के अंदर से मायूस। आपने कब अंदर से देख लिया इंसान? अंदर से मायूस। क्या इंसान अंदर से मायूस है? इंसान का दिल देख, जैसे चूहा मोटर होती है। ये चूहा मोटर इधर लगी है तो टैंकी किधर लगी होगी? मैं भी कहूँ डबल रोटी की वजह से ही क्यों दिल का वाल्व बंद हो जाता है। डबल रोटी की वजह से दिल का वाल्व बंद हो जाता है, कमाल है। दिमाग कैसे है, जैसे गोश्त का लोथड़ा पड़ा हो। मेरे दोस्त अगर ऐसा होता तो सर में जुएं ना पड़ती, कुत्ता पड़ता। और इंसान के फेफड़े ऐसे जैसे 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 पिसे हुए आड़ू। अल्लाह सुन ले, तेनू बड़ा मान सी अपने हुस्न दा, ओने इंसान दे कच्चा चट्ठा करता ही। मेरी सांस रुक रही है और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। इजी रो 15 20 वारी मेनू भी कह बैठी है। वो कहां है? उसकी बैटरी लो हो जाएगी, उसे मेरी आंखों के सामने लेकर आओ। क्या कहा? किसकी बेटी लो हो जाएगी? वो बैटरी सर। बहुत प्यार करती मोबाइल ना, चार्जिंग दे लाके भी सोच रही हुंदी वेंटिलेटर दे भी। जब ये मेरे सामने नहीं होता तो मुझे लगता है कि मेरा बच्चा मेरे सामने नहीं है। मैं कल्ली कुड़ी वेख के ब्याह कीता थी कि अगे पीछे कोई ना होवे ओदा, ए मेनू साला मिल गया मेरा। ओहो भाई, वो नोमोफोबिया का शिकार है। ऐसे लोग फोन से ज्यादा देर दूर नहीं रह सकते, उन्हें एंग्जायटी शुरू हो जाती है, पैनिक अटैक्स होते हैं। ना ना ना, लेकिन मुझे परेशानी ये है डॉक्टर साहब, गुर्दे में पथरी कहाँ से आ जाती है? गुर्दे में लैंडस्लाइड हो जाती है। ये लैंडस्लाइडिंग वाज जाना जी, आबशारा भी रुक जाती है। ए गुर्दा स्टोरेज बढ़ाया ही मामा। इंसान के गुर्दे ऐसे हो चुके हैं जैसे जैसे शापर में ठंडा सालन होता है। पागलपन में भी जुगत अच्छी करता है मरासी का बच्चा। नाज़रीन, इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक। आप तो गालिबन बगदाद से चोरी के इल्जाम में डिपोर्ट नहीं हो चुके? क्या कह रहे हैं भाई? अलादीन की किताब पढ़ी है, उसकी साली की तस्वीर आपसे बहुत मिलती है। तुम मोटिवेशनल स्पीकर है। मोटी थी अलादीन की बीवी? तो मेरे पास क्या लेने आया था, मैंने बता।
मुझे एक बंद कबाब चाहिए, जरा मक्खन मार के देना। तुझे नहीं पता, तुझे ठीक करने के लिए आया हूँ। तो मैं ठीक हूँ, मेरी रगड़ भूल जावे, मेरे कानों से धुआं निकले। ये खतरनाक, जब मैं किसी को देखूं कि वो वक्त की पाबंदी नहीं करता। रगें फूलना, कानों में से धुआं निकलना गैर इंसानी शेवा है। हाँ जी, ये कान भी खड़े हो जाते हैं, नखा लाल हो जाती है। वक्त के जिया से अगर आपको इस कदर अजियत होती है तो मेरे दोस्त आप खला में ही क्यों नहीं डेरे डाल लेते। फारिग अजीज साहब, ये कैसा हल बता रहे हैं उन्हें? तुम मने पागल समझता? हरगिज नहीं। मेरा दिल चाहे कि मैं उन लोगों के हाथों में गर्म सुराख पकड़ा दूं जो प्लान तो बना में, लेकिन इन टाइम प्लान पर अमल दरामद करने से इनकार कर देवे। तो हाथ में गर्म सीखें क्यों पकड़ाना चाहते हो? उनको अजियत हो, उनको मुश्किल में डाला। अजियत का? हाँ, ये तो उनकी आप दावत कर रहे हैं उनको सीख खिला के। तो पागल नहीं है, लगता 100 दिन मंसूबे तो डंगे है। ये थोड़ा सा देखें, सजा देनी है तो सीखे उनके हाथों पे मारो। अबे बावली गाए, उनको बगैर कबाब के गरम सीखा पकड़ा दूंगा। बगैर कबाब के सीखे तो वो पकड़ेंगे क्यों? वो पागल है। आहो, बगैर कबाब तो सीखा गरम करके उन्होंने की भून लड़े है। तो कैसी बात है, कहते डॉक्टर है? डॉक्टर और ये गरम करके लाउंदा नहीं, थोड़ा डंग बाहर आ जाता। ओ तेरे डंग निकाल दूंगा, इंसान का बच्चा बन। ओए पहले मेरे 3 महीने का बेल काट, बदतमीजी की थी, पर टाई तो फड़ के लम्मे वाला है। लम्मे क्यों पा रहा है तू? अदे कड़ाके कटने ने मने तो पागल लगे। अब सब एक दूसरे के लिए पागल हैं, दिल की हालत किसको बताएं? हम भी पागल, तुम भी पागल। गेट्स इज द चुंबी चुंबी, गेट्स इज द चुल्लू चुल्लू, गेट्स इज द चुंबी चुंबी, गेट्स इज द चुल्लू चुल्लू, गेट्स इज द चुंबी चुंबी, गेट्स इज द चुल्लू चुल्लू, गेट्स इज द चुल्लू चुल्लू, गेट्स इज द चुंबी चुंबी। दिल की हालत जी, मैं खातून केदे नाल यसु पंजू खेल रहे हो? मुझे भेड़िए अच्छे लगते हैं, भेड़िए मर्द नहीं। आप हमें भेड़िया ही समझिए जी। मेरा 8-10 साल जंगल च रह के आई, उन्हें भेड़िए ही छिलक देने। जी मेरी भेड़, जी मेरी बहन, जी मेरी बहन। भेड़िया अपनी मादा के साथ वफा निभाता है। लेकिन बीबी, अगर उसकी बेगम कजाए इलाही से वफात पा जाए तो फिर भेड़िया क्या करता है? बस जी, फिर सारी जिंदगी कब्र पे बह के कर रहे होंगे। भेड़िया हमेशा अपने खानदान के असूलों की पाबंदी करता है। बजा फरमाया, खानदानी भेड़िये आज भी रिवायतों में जकड़े हुए हैं। भेड़िया झुंड में बुजुर्गों को आगे रखता है, खुद पीछे रहता है। आहो बुजुर्ग दस देने बेटा, ओ शिकार पे आई, मेरे को नहीं दौड़िया जाना, आप जाके फल ला। नहीं गालिबन इसलिए कि अगर शेर वजे ते पहले बुजुर्ग ते वजे, हो सकता है खांदा खोंदा होए ते डिस्टर्ब करदा होए। बा भाई, तने तो भेड़िए को भी लीडर बना दिया। हो सकता है यही चुनतखब हो। चुनतखब? बच्चों बंदा, भेड़ियों की तारीफें किए जा रहे हो, गुरगाश्ती भूल गए हो भेड़ियों की। उन्हें अपना दवाइयां वाला सफा भी मरोड़ता है। गुरगाश्ती भेड़िए तो अब खत्म हो गए हैं, ये तो काफी अरसा पहले हुआ करते थे। कोई किसी का दोस्त नहीं होता, अपने साथी को खा जाते हैं जब भूख लगती है भेड़िए। मुछा जालमा आ गईया ने, आवाज ओदी जुल्म सहन वाली। मेरा जी चावे मैं उन लोगों की आंखों में शीशा पिघला के डाल दूं जिन्हें काम के वक्त काम नजर नहीं आवे, बाकी सब कुछ नजर आवे उन्हें। तू इतना हसीन नहीं कि तेरी बात का जवाब दिया जाए। मैं जानवर जैसी जिंदगी जी रहा हूं, सिर्फ अपनी जिस्मानी जरूरतें पूरी करने के लिए। उसे अच्छा तो जानवर है। जानवर जो फितरत से छेड़छाड़ नहीं करता, अपने हम जिंसों को खानों में तकसीम नहीं करता। शापर देना शापर, इस तरह का पेशेंट अक्सर बात करके उल्टी कर देता। हाँ हाँ। क्या कह रहे हैं सर आप? मैं समझा आपने कूड़ा फेंको। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर नहीं। कक्सम देखिए से क्या हो गया। किनो कक्सम देखिए, ओ कोशिश कक्सम, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। कुछ नहीं होगा,
ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਔਰ ਬੈਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਪਾਓ ਇਸਕੀ ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਊਂਗੀ ਤੂੰ ਬੈਟਰੀ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆਪਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੀ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸਾ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੱਲੇ ਚ ਉਹ ਕੁੱਟ ਪਈ ਨਾ ਬਾਜੀ ਇਹਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਮੱਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਗਵਾਚਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸਕੇ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਤੇ ਅਗਰ ਇਸੇ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸੇ ਮਾਰ ਦੂੰਗੀ ਓਏ ਓਏ हमें ज्वाइन किया है डावी म्यूजियम से दानिशवर साहब ने वेलकम सर मोस्ट वेलकम सर इतने अरसे बाद चक्कर लगाया उदास हो गए थे हम तो नहीं चक्कर तो मैं काफी देर से लगा रहा था रियली चौकीदार अंदर नहीं आने दे रहा था उनके साथ बैठी हैं एक एस्पायरिंग आर्टिस्ट जो उनकी शागिर्दी में आना चाहती हैं वेलकम बस इनकी कदम बोसी की इजाजत चाहती हूँ वाह आय हाय की करण रही है कुड़िए पता नहीं किथे किथे वो कदम रंजा फरमांदे ओहो मेरे दानिशवर साहब को नहीं जानते हाय हाय ए बाबा कौन है किथो है मैं ते को नहीं जानदी ऊंची दुकान तीखा पकवान सर तीखे तंज लिखने वाला तीखे पकवान से डर गया दिल ही तो है सियासत दरबार से डर गया वाह वगरना मैं और जाऊं दर से तेरे बिन सदा किए वाह वाह दानिशवर साहब अगर आप मुझे अपनी साया या आगोश में ले लें तो मेरी तो जिंदगी समर जाए साया आगोश जी और बेबी साया आतफत कहते हैं मैं उधर आगोश से ज्यादा जोर बेबी आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं माफ कीजिए साया शफकत कहना चाह रही थी अब मेरे लिए क्या हुक्म सर वो आपकी वजह से सकील उर्दू का इस्तेमाल कर रही है आपको इम्प्रेस करने के लिए इसीलिए गलत सलत बोली जा रही है आयशा जी ये तो जिंदगी भर किसी से इम्प्रेस नहीं हुए इस बेचारी से क्या होंगे कौकब हुस्न इम्प्रेस नहीं करता कन्विंस करता है जी आपने सुना नहीं कश्मीर इज अ कन्विंसिंग ब्यूटी ब्यूटिफुल Kashmir is beautiful. ਹੁਸਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਨਵੇਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪਰਚਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਾਇਨ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਅਭੀ ਵੀ ਉਰਦੂ ਸਟੇਜ ਕੋ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਰਦੂ ਸਟੇਜ ਕੋ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਸੇ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਰ ਆਪਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਜ਼ੇ ਹੈ ਸਟੇਜ ਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁਝੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ सर जाने दे कौन सी जुबान है जो आपको नहीं आती आपके घर में पंजाबी गीत है हमने खुद सुने एक जुबान मुझे वाकई नहीं आती कौन सी सर इशारों की जुबान नहीं आती आपको इशारों की जुबान अगर आती होती तो आप मेरा इशारा समझ ना जाते सर क्या कह रहे हैं आप इस सोफे पर मैं कंफर्टेबल नहीं जी मैं काफी देर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस सोफे पर मैं कंफर्टेबल नहीं सर वैसे काफी देर से आप बताना चाह रहे हैं वो सब कुछ जो आप बता नहीं पाए ये सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए बंदा बाहर निकाल सकते हो क्या सिर्फ जितनी देर में सर क्यों बाहर निकालना चाहते हैं उन्हें लिबास अच्छा पहनता है इसलिए खुश शक्ल है लेकिन लहजा मुतशद्ददाना है और काफी ज्यादा मुतशद्ददाना है सर आप एक मुद्दत से लिख रहे हैं कोई नावल नहीं लिखा कोई एक बड़ी किताब नहीं लिखी सर आपने मैंने बड़ी किताब लिखी है अच्छा कौन सी किताब सर कभी कराची आए तो पढ़ाऊंगा तो सर यहाँ क्यों नहीं पढ़ सकते हम यहाँ लाई नहीं जा सकती सर इतनी बड़ी किताब है काफी बड़ी किताब है लेकिन यहाँ हमारी रसाई क्यों नहीं हो सकती उस किताब तक क्योंकि वो मज़ारे कायद पे पड़ी है यादाश्तों की किताब दानिशवर साहब अब दानिशवर साहब अगर मुझे आपकी जूतियाँ चटखाने का मौका मिल जाए ना तो मेरी किस्मत बदल सकती है जूतियाँ चटखाने का नहीं उठाने का हाँ जी जी उठाने उठाने का
एक दफा किसी ने मेरा जूता उठाने की कोशिश की थी। अच्छा, फिर नजर उठाने के काबिल नहीं रहा। जी, क्या किया आपने उस बेचारे के साथ? बेचारा नहीं, बेचारी। कि क्या? मैंने उसके जूते को एक नई गाड़ी के पीछे नजर वटु के तौर पर लटका दिया। दानिश्वर साहब, ये फरमाएं कि ये जूता मुजक्कर होता है या मौनस? जोर से लगे तो मुजक्कर, आहिस्ता लगे तो मौनस, और अगर एहतियात से लगे तो मुखनस। थाड़े आस्ते एहतियात बेहतर है। एहतियातन कौकब साहब, बहुत प्यारा सूट पहना है आपने। शुक्रिया सर। एक जूता यहाँ भी लटका लीजिए। हाँ बीरे, सारी उम्र नजर नहीं लगूगी। किसे? जूते नू। अच्छा सर, छोड़े इन सब बातों को। ऐवें ही छोड़े? जी, बातें ही तो हैं, इन्हें भी छोड़ दो। बातें भी होने किथे, थोड़ा जिया बोलन तो सा चढ़ जाते। मेरे देखो, नहीं बुरी बात है, मैं खबरदार नहीं, ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं बोले बगैर भी सांस चढ़ा लेता हूं भाग दौड़ करके। सर, इस उम्र में आप भाग दौड़ कर लेते हैं? ऐसी जी, कोई मौका तो मिले, कोई साथ भागे तो मैं तो तैयार। जी, कितनी बार कहा है, अकेले रनिंग करना काफी बोरिंग है। कोई दोस्त हो, राहत काजमी हो, उनके अबाव अजदाद में से कोई हो। सर, अगर आप मुझे मौका दें तो मैं आपकी रकाबे थाम लूं। ओ बीबी, रकाबे थाम लूं नहीं, हम रकाब हो जाऊं। जी जी, हम रकाब, हम। सर, किसी नई पेंटिंग पे काम कर रहे हैं आप? सर, खुदा के लिए ये करना बंद कीजिए, क्या कर रहे हैं आप? क्या सर, ये जो अच्छा आप... मैं अब हाथ नहीं बांधता। नहीं नहीं सर, वो जो आप ये सर, ये जो आप मुंह से कर रहे हैं। मुंह से तो मैं बातें कर रहा हूँ। नहीं नहीं सर, जब आप बातें नहीं कर रहे होते, उस वक्त जो आप कर रहे होते हैं ना, वो मत करें। उस वक्त मैं आपकी बातें सुन रहा होता। नहीं सर, ये जो आपके चेहरे के यकलख नकूश बदल जाते हैं। नहीं, पिछले 45 साल से तो ऐसे ही है। अच्छा सर, ये लैची मुंह च पा बैठे जड़ी आज तक नहीं चबी गई। अच्छा सर, ये बताइए, आजकल किसी नई पेंटिंग पे काम कर रहे हैं आप? सर, मैं पूछ रही हूँ। स्टार्ट फाड़ रहे। सर, मैं, सर इधर, सर, सर बात सुनिए। बगैर ढोल दे अंजी भंगड़ा पै सकता। दानिश्वर साहब, सर सर क्या कर रहे हैं आप? मैं सोच रहा हूँ इस बेचारे की लोहे की चाची कैसी होगी। सर, वो इलायची की बात कर रहे थे। सॉरी। कोई गल नहीं है, इस उम्र भूल चुक हो ही जाती है। मैं तानू पहले भी दस्या, मैं तुहाडी चाची नहीं चुकी। नाज़रीन, हमारा सेगमेंट है तहकीक नाक। जी जनाब। आयशा जी, जहानत खुदादाद होती है या एक्वायर करनी पड़ती है? मेरे जहानत जेड़ी हुंदी है ना, बाई बर्थ हुंदी है। आशा जी, मैं जमदे ही बड़ा जहीन सीगा। मैं ते दाई नू कहता सी, मैं कहा मेरे प्यो दे हालात ठीक नहीं, पैसे जरा कट लवी। और मेरे कैसी बातें करते? कैसी बातें, मेरिया फुफियां मैनू देखन आई, उन्होंने मैनू 500 रुपए दिता, मैं 400 वापस किया। मैं कहनी 100 मैनू बड़ा। वीरे क्या कह रहे हो? निका जिहा सीगा, मैनू उन्होंने नीकर शर्ट पवाई, मैं उत्ते टाई ला ली, मैं कहा मैं वड्डा हो के बाऊ बनना। वो वखरी गल है, हालात ने मैनू बाऊ दी जगह ते बाऊ बनाता। ओ बीरे जी, जो बाय बर्थ ज़हीन लोग होते हैं ना, हाँ हाँ, उनकी तादाद तो ना होने के बराबर होती है। तो मैं भी तो करोड़ों चो एक सीगा। इंसान जिद्दोजहद से, कोशिश से और पूरी मेहनत से जिंदगी में जहानत और फतानत हासिल करता है। कोकर साहब, जे जहानत बाजारों मिलती होवे ना, हाय हाय हाय, मुल बिक दी जहानत मिल जावे ते लिलवा मैं कोकब वेच के। बीरा जी जी, ज़हीन लोगों में बैठने से, ज़ीरक लोगों में बैठने से इंसान को जहानत हासिल होती है। जहानत तो कुदरती हुंदी है, हाँ, अद्भुत आप बंदा ज़हीन लोगों को बैठ के सीखता। वाह बीरे, हुन रक्षा चलाने वाला जो नॉम चोमक्सी दे नाल बैठ जावे तो कि वो ज़हीन हो जाओ। मुझे आइंस्टाइन की बात याद आती है,
جس نے کہا تھا ذہانت علم سے نہیں تخیل سے ماپی جاتی ہے، جس کے ذہن میں زیادہ اچھے خیالات آتے ہیں، جو زیادہ اچھے طریقے سے کسی معاملے کو سمجھتا ہے وہ ذہین کہلاتا ہے۔ پروفیسر صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، اگر خیالات سے کوئی ذہین ہوتا تو پھر شیخ چلے سے زیادہ ذہین کون تھا؟ اب کیا بات کی جائے، اسے میں سکرات کی بات بتانا چاہتا تھا لیکن پتہ نہیں وہ بھی اسے سمجھ آئے کہ نہ۔ وہ کیا پروفیسر صاحب؟ بھائی سکرات نے کہا تھا کہ میں ذہین ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ واہ، عائشہ جی جسے ہم تجربہ کہتے ہیں جی، وہ دراصل ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، اور جو شخص اپنی غلطیوں سے جلدی سیکھ لیتا ہے وہ ذہین آدمی ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، عائشہ ذرا توجہ فرمائیے، جی جی، غلطیوں سے سیکھ کر ذہین بنا جا سکتا ہوتا تو جون ایلیا بھی آخری عمر میں ایٹم بم بنانے کا سوچ رہا ہوتا۔ پروفیسر صاحب آپ جون ایلیا کی مثال دے رہے ہیں، انہوں نے تو کبھی پٹاخہ تک نہیں چلایا تھا، بنانا تو بہت دور کی بات ہے، اگر وہ اس فیلڈ میں جاتے جتنے وہ ذہین تھے وہ یقیناً ایکسل کرتے، اس لحاظ سے ان کی بات درست ہے۔ پروفیسر صاحب جہانت تا تھاڑے نیڑیوں نہیں لنگی۔ کیوں؟ عائشہ جی ادیاں باواں دی شرٹ تے پاون والا فیلٹ انہوں نے پینٹ کوٹ تے پایا ہوا ہے۔ ہاں وہی ان کا سٹائل ہے، ان کا انداز ہے، ان کا وے آف لائف ہے۔ سٹائل کا تو یہ کہ نا سرکل چ چپس بیچ دے۔ او بھائی ذہین لوگوں کے انداز، ان کا وے آف لائف ایسا نہیں ہوتا جیسے ہم سوچتے ہیں۔ عائشہ آپ کیوں میرا دفاع کر رہی ہیں، ان کے نزدیک ذہین وہ ہے جس نے کوئی لمبا سا کوٹ پہنا ہو، 10-12 دن سے نہایا نہ ہو، کوئی سگریٹ پی کے برا حال ہو، کہتے واہ واہ کیا قابل آدمی ہے۔ بھائی جو تحقیق ہمارے پاس ہے اس کے مطابق میلے کچیلے، بے ترتیب، غیر منظم، بد مزاج لوگ زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ ہائے باجی بندہ ذہین بنانا کتے نامن بند کر لے نا، بترا پہ سر وچ کھیپ پوا کے بدرا وے۔ اوئے لوگ ذہین ہوندے ایویں تے نہیں، لوکی انہاں دے پیراں چ پا کے کہن دیندے بابا جی کو پرائز پاؤنڈ دا نمبر ہی دے دے۔ یعنی سلیقہ مند، لائق، فہیم، شعور رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ ذہین نہیں ہوتے۔ بیرے وہ بھی بے ترتیب ہی ہوندے یا اکثر پٹھا سگریٹ لا لیندے۔ میں بھی حیران ہوا ہوں کیا بات کر رہا ہے، افیم رکھنے والے لوگ ذہین نہیں ہوتے۔ سر او فارغ عزیز صاحب اس عمر میں قوت سماعت بھی گئی، مزمحل ہو گئے کوہ غالب، اب عناصر میں اعتدال کہاں۔ واہ، فکر دنیا میں سر کھپاتا ہوں میں کہاں اور یہ وبال کہاں۔ آہا لو تسی آہا کرن دیو، تھانو وبال کہہ رہی ہے۔ ایسا آسا نہیں لہو رونا، دل میں طاقت، جگر میں حال کہاں۔ ارے آپ تو سنجیدہ ہی ہو گئے، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، میرے کوہ مزمحل نہیں ہوئے۔ آپ الفاظ واپس نہ لیں، آپ ان کو بتائیں کہ تھی وہ ایک شخص کے تصور سے، اب وہ رنائی خیال کہاں۔ واہ 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 واہ، جس جواب تے ڈسکشن ہونی سی وہ سوال کہاں۔ دیر خود کو بڑا ذہین مانتے ہو نا؟ جی ہاں مانتا کی ہوں میں۔ اچھا مجھے بتاؤ، جب لوگ دانت چباتے ہیں، بیچتے ہیں، مجھے ایک آواز نکلتی ہے، کیسا محسوس ہوتا ہے؟ کرچ کرچ دی۔ ہاں بیرے مینو اپنے دندا چ نا ریت جی محسوس ہونا شروع ہو جاندی ہے، میرا دل کردا چنڈ مارا تے کنا چ سائیں سائیں دی آواز آوے۔ بھائی اگر آپ لوگوں کے چبانے کی آواز سے جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتے ہیں، کسی بھی ایسی آواز سے جو آپ کو اریٹیٹ کرتی ہے، اس سے اگر آپ تکلیف اٹھاتے ہیں تو آپ یقیناً ذہین انسان ہیں۔ میں جہانے دی ایڈی وڈی قیمت نہیں چکا سکتا بھی دل میرا چھوارے کھان نو کرے تے میں ریت چبی جاواں۔ میرے 20% دنیا کے لوگ مسفونیا کا شکار ہوتے ہیں۔ بیرے کی کیا مسہانیا دا شکار ہوتے ہیں؟ بیرے مسفونیا یہ ایک ایسا عارضہ ہوتا ہے، دیکھو دنیا میں بہت سی اریٹیٹنگ آوازیں ہوتی ہیں، جیسے چاک سے لکھتے ہوئے جو آواز آتی ہے، کسی کے دانت پیسنے کی آواز، اونچے اونچے چبانے کی آواز، منہ کھول کے کھانے کی آواز، ایسی بیشتر آوازیں۔ جو لوگ ان آوازوں سے اریٹیٹ ہوتے ہیں وہ مسفونیا کے عارضے کا شکار ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ جو اس عارضے کا شکار ہوتے ہیں وہ عام لوگوں کی نسبت زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ میں بھی کہاں منجی جو جدوں چوں چوں دی آواز آندی ہے نا، میری نیند کیوں اٹھ جاندی ہے۔ آئے ہائے کوئی دل ربا، دل نشین، گل بدن، واہ
اپنے خوبصورت پیر زمین تے کسیڑ کے جدو ٹوٹتی ہے نا اور اودے جو جڑی کسڑ کسڑ دی آواز آندی ہے نا ہاں جی میرا تو دل کردا میں بال نوچ لواں کس کے اپنے یا دل ربا کے اوے اس دل ربا دے ہاں بیرا جی ہاں جی ایسی دل ربا جس کے آپ بال نوچنے چل پڑے تے ہور دے پیر بڑھ دے ہاں بعد چ میں کدے پیر ہی پاؤں ہائے باجی ہاں جی میں کو تے ہر آواز بھڑی لگدی ہے بل میں تے ذہین تھئی نا بہت بہت سونی بہت ہائے باجی میں کو تو آپ شارے دے گرن دی جھرنے دی بہمن دی پتیاں دی سڑسڑاٹ او بھی بھڑی لگدی ہے انہاں مطلب ہے میں ذہین ہاں سونی تمہیں جھرنوں کے بہنے کی آواز بری لگتی ہے ہاں تم اکیلی نہیں ہو اس تجربے میں بیا کون ہے گدھے اچھا بیرے تم یہ بتاؤ جی گھر جا کے اپنے کپڑے ادھر ادھر پھینک دیتے ہو نہیں نہیں میں ادھر ادھر کیوں سٹ رہے ہیں میں کپڑے پا کے سننا جی نہیں بیرے میرا مطلب یہ کہ جب تم فارمل کپڑے اتارتے ہو اور کیجول کپڑے پہنتے ہو تو ان فارمل کپڑوں کو ادھر ادھر پھینکتے ہو یا سنبھال کے رکھ دیتے ہو آؤ میں سٹ دینا ہاں اگر تم انہیں سنبھال کر طے کر کے سلیقے سے الماری میں رکھتے نا تو تم کوئی گاؤدی سے انسان ہوتے اب نظر آ رہا ہے کہ تم بڑے ذہین ہو اس تو بھی زیادہ ذہین میں تے الماری جو اپنی کمیز کٹا نا تے باقی دے کپڑے ڈگ پین میں وہ بھی نہیں چکتا میں کہ آپ ہی کو چک لو عائشہ جی کمال کرتی ہیں آپ یہ کہاں سے آپ گھٹیا بےہودہ سی تحقیق اٹھا کے لے آئے میں اپنے کپڑوں پر ذرا بھی شکن نہیں پڑنے دیتا بڑے آرام سے طے کر کے ان کو الماری میں رکھتا ہوں جی جی میں تو اپنی جرابیں استری کر کے پہنتا ہوں کیا وہ اس طرح ہی مار دی ہے عائشہ میں کوکب صاحب کی بات سے اتفاق کرتی ہوں اچھا یہ کس طرح کی تحقیق ہے اور کون سا پیمانہ ہے ذہانت کو ماپنے کا اب دیکھیں آپ نے کہا کہ جن آوازوں سے اگر آپ کو پرابلم ہوتی ہے تو آپ ذہین ہیں تو مجھے ہوتی ہے پرابلم یعنی میں ذہین ہوں لیکن اگر میں اپنے کپڑے سنبھال کے رکھتی ہوں تو پھر میں ذہین نہیں ہوں تو پھر آپ کیسے فیصلہ کریں گی کہ میں ذہین ہوں یا نہیں ہوں جنیرا او کتنا بیکار بندہ ہوئے گا جڑیاں اپنی جراباں بھی استری کردا جنیرا یہ کچھ کامن فیکٹرز ہیں جو ذہین لوگوں میں ہوتے ہیں اس میں ترتیب ادھر ادھر ہو سکتی ہے عائشہ جی بے ترتیب لوگ ذہین بنا رہے ہیں آپ کوکب صاحب بے ترتیبی انسان کو روایات سے دور رکھتی ہے ان کو سوچنے کا موقع دیتی ہے اور نئے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیتی وہ گھبراتے نہیں ہیں ڈرتے نہیں ہیں روایات سے ہاں عائشہ یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ ایسے لوگ نارمز کسٹمز اور ٹریڈیشنز میں جکڑے نہیں ہوتے اسی لیے ایسے لوگوں کے پاس تخلیقی اظہار کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں وہ زیادہ انٹرسٹنگ اور کریٹو ہوتے ہیں عائشہ جی قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گی بڑے منظم تھے بڑے ترتیب پسند تھے بہت ذہین و فطین تھے اور انتہائی ایکسیپشنل آدمی تھے لیکن ہم جناح صاحب کی بات نہیں کر رہے کیونکہ ہر کوئی ان جیسا تو نہیں ہو سکتا ہم عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں بیرے کی بات کر رہے ہیں میری بات کر رہے ہیں سونی کی بات کر رہے ہیں تو پھر جب میں نے آغاز میں آپ سے کہا تھا کہ ذہین لوگ تو سمندر میں قطرے کی مانے جائیں صحرا میں ذرے کی مانے جائیں ہاں تو بالکل ٹھیک کہا تھا آپ دنیا میں زیادہ تر لوگ لگے بدے اصولوں کے تحت اپنی زندگی گزارتے ہیں لیکن ذہین لوگ ایسا نہیں کرتے ہاں بالکل ٹھیک کہا آپ نے صادقین پکاسو وین گو میر جی یہ سب مثالیں ہیں ہمارے سامنے بھئی کمال کرتی ہیں آپ یہ انڈسپلن لوگوں کی مثالیں آپ لے آئی ہیں عائشہ ان سے پوچھیں کہ فیض احمد فیض ٹی ایس ایلیٹ کارل مارکس فرانسس بیکن کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے بڑے ڈسپلن آدمی تھے بیرے کیرے ڈسپلن دی گل کرنا کانڈ تے کھرک ہوئے ہر بندہ انجی کھرک دا اچھا بیرے یہ بتاؤ رات کو دیر تک جاگتے ہو کدی جاگتے ہوندے سی گے اچھا اب عناصر میں اعتدال کا بیرے گٹھے گوڈے رہ گئے ہیں بیرے بیرے کیا کہہ رہے ہو تم میرے کہنے کا مطلب تحقیق یہ بتاتی ہے کہ رات دیر تک جاگنے والے لوگ صبح صبح اور جلدی اٹھنے والے لوگوں کی نسبت زیادہ ذہین ہوتے ہیں آنکھ تو ساڈی بھی چھتی کھل جاندی ہے اچھا جوڑ نہیں کھلتے جی انج جڑے ہوندے ہیں جویں کدی کھلے ہی نہیں سن بیرے انج انج کرو تو پھر کوئی تھوڑی جی ہوش آندی اچھا بیرے میں کوئی اور بات بتا رہی تھی میرا مطلب یہ تھا کہ رات کو جلدی سونے والے اور صبح جلدی اٹھنے والے لوگوں کی نسبت جو لوگ رات دیر تک جاگتے ہیں وہ زیادہ ذہین ہوتے ہیں عائشہ جی آپ کی فضول سی تحقیق نے معقولے کو خراب کر کے رکھ دیا ارلی ٹو بیڈ
early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. ਵੀਰੇ ਮਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਵੀਰੇ, ਔਰਤਾਂ ਕੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ makes a man, makes a woman ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਬਾਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਤਾਰੇ ਗਿਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤਾਰੇ ਹੀ ਗਿਣਨੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕੇ ਪਾਸ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਹੋਣੇ? ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਕੇ ਪਾਸ ਹੀ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਹੀ ਤਾਰੇ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। अच्छा भाई, इस तहकीक के मुताबिक जो लोग जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं और चीज़ों की तरफ, वो लोग ज़्यादा ज़हीन होते हैं, क्योंकि इस तरह वो मल्टीटास्किंग कर सकते हैं जो आम लोग नहीं कर सकते। आयशा जी, आप कैसी बात कर रही हैं? तवज्जो का बढ़ जाना ज़हानत की अलामत है जी। भी सड़क पर टुरियाँ जाते हैं, तुम किसी खूबसूरत कुड़ी देख रहे हो, वो हाँ अचानक इधरों एक खूबसूरत बस आ जाए, तवज्जो तो बट गई ना। कैसे? या तो सी नठ के सड़क पार कर लोगे हाँ? या फिर बस दे थल्ले आ जाओ। अच्छा मेरे, एक और इंटरेस्टिंग बात सुनो। इस तहकीक के मुताबिक खुद कलामी करने वाले लोग आम लोगों की निस्बत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तुमने कभी की है खुद कलामी? अक्सर करना जी मैं खुद कलामी। रियली? मैं अपने आप नु कहना मा जाए फिटे मुंह तेरा, क्या तेरी जिंदगी ते फटकार है। क्या इतनी उम्र लंग गई, कोई जिंदगी च स्वाद दा कम नहीं हो सकया तेरे कोल, तू अपना जनाजा जायज नहीं करा सकया। ओए हर वेले काम काम काम, फिर भी ना काम ना काम ना काम। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।